Good morning, student. I am Lakshmi Chowdhury. Today's topic is sound for class 10th subject physics. First topic है आपका इस चैप्टर में आपने रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्शन वर्ड से तो पहले आप जानते होंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है कैसे कैसे हम इसका क्लास 9th में भी आप लोगों को पढ़ाया हुआ अच्छे से पढ़ाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लेंसेज और प्रिज्म रिफ्लेक्शन करके पढ़ रहे थे वो हम उस टॉपिक में ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ साउंड की बात करेंगे साउंड में रिफ्लेक्शन कैसे होता है क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे होता है ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को समझाने से पहले कुछ आपको हम वेव के बारे में बता देंगे वेव क्या होता है जनरल डेफिनेशन में वेव को कैसे डिफाइन करोगे आप बताइएगा वेव को अगर मैं देखूं बेटा हमको साउंड को समझने से पहले वेव को देखना होगा वेव क्या होता है इसका कैसे कैसे ट्रेवल कर रही होती है ये कैसे जनरेट हो रही होती है किसी भी फिल्म में या किसी भी ऑब्जेक्ट में ठीक है ये देखते हैं वेव क्या है वेव को अगर हम देखें जनरल वे से क्या होता है डिस्टर्बेंस क्या बोलेंगे डिस्टर्बेंस ऑफ एनी सिस्टम या सिस्टम में ले लो या किसी ऑब्जेक्ट में ले लो जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहां से हमारा वेव का जनरल केस क्या हो जाता है प्रोड्यूस हो जाता है उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो उसकी पोजीशन में या उसके साइड में जो भी चेंज आ रहा होता है उसी को हम वेव बोल देते हैं चेंज का मतलब ऐसा है कि यहाँ पर समझेगा किसमें चेंज उसकी एनर्जी में चेंज अगर जनरल बात करें तो क्या होगा ट्रांसफर एनर्जी वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल बट मास डज नॉट ट्रांसफर अगर बोले तो इस कंडीशन में इस वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे वेव में क्या होता है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वन पार्टिकल से सेकंड पार्टिकल लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा जो पार्टिकल का मास होगा वो वही रहेगा सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफर होगा एनर्जी का ट्रांसफर होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा वेव अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ आपको देखो ऐसे दिखेगा कुछ इस प्रकार से ये क्या है इसमें पानी भरा है वाटर जैसे बोले पानी क्या है यहाँ पर पानी भरा हुआ है अब ये पानी जो है बिल्कुल कैसे है रेस्ट मतलब शांत है एकदम इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है और आप लोग मान के चलो यहाँ गए घर से आ गए घर से आके बोले कि तालाब के किनारे चले जाते हैं और वहां बैठ गए तालाब के किनारे पर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये पानी भरा हुआ है किसी तालाब में किस प्रकार से और ये किस फॉर्म में है बिल्कुल इसमें कोई भी किसी प्रकार की हलचल नहीं है कोई भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस इसमें क्रिएट नहीं हो रहा है ये क्या वाटर मान सकते हैं अब आप लोगों ने क्या किया कि आप लोगों को लगा भाई ये इस प्रकार से बिल्कुल शांत है तो क्यों ना इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए तो आप लोगों ने क्या किया कि एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठा के कहा इस पानी में डाल दिया यहां डाल दिया स्टोन मान लेते हैं यहां पर ठीक है छोटा सा स्टोन का मतलब ये नहीं है पूरा पहाड़ डालना है इसमें छोटा सा पीस डालना है डालने के बाद आपने क्या देखा ये जो पानी था इसमें कोई पहले कोई डिस्टर्बेंस नहीं था अब इसमें क्या क्रिएट कर दिया आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया तो आप लोग क्या देखोगे पानी में कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे हलचल स्टार्ट होने लगी चार मार ठीक है ऐसे ऐसे कुछ ऐसे जितना ऊपर उठेगा ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होता है अगर मैं देखूं वेव की फॉर्म में अगर देखूं ऐसे कुछ एक बार पानी का जो लेवल है ऊपर ऐसे उठेगा फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे तो क्या होगा उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं वेव क्या बोलेंगे वेव अब एक बात बताइए उसमें क्या हुआ क्या पानी के पार्टिकल का ट्रांसफर हुआ नहीं जो उसमें आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था उस डिस्टरबेंस क्रिएट होने की वजह से एनर्जी का क्या हुआ ट्रांसफर हुआ क्या हुआ ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर कुछ इस फॉर्म में हुआ ऐसे ये क्या है वेव अब ये भी टू टाइप की होती है अगर वेव को अगर मैं टू टाइप में डिफाइन करूं फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव
यहां से अगर आप देखोगे ये कितनी टाइप की, टू टाइप की। अगर आप लोग कहोगे सर ये ट्रांसवर्स वेव का क्या है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या है, ये कैसे दो टाइप हो गई, वेव तो वेव होती है। क्योंकि बिल्कुल बेटा ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में जो वेव का पाथ होता है जिसे हम बोल रहे थे पाथ, वो कैसा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने मान लिया उसकी जनरल सरफेस रही होगी उसकी एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये टाइम टी हो गया बेटा, सरफेस आएगी ये ऐसे, ठीक है ये मेरा वाई मान लिया। अब इसमें ये कौन सी वेव होगी बेटा, ट्रांसवर्स वेव, ये कौन सी होगी, ट्रांसवर्स वेव, ध्यान रखना इस बात को। तो इसमें वेव कैसे लगे, इस वाले पार्टीशन को मैं क्या कहूंगा, टफ कहूंगा या टफ कहूंगा या क्रस कहूंगा, बताइए आप लोग बताइएगा टफ या क्रस बोलेगा, इसे बोलेंगे क्रस, ठीक है बेटा, और इसे बोलेंगे टफ, ठीक है। तो इसके बाद ये होगी वेव जो ट्रैवल करेगी ट्रांसवर्स में वो किस फॉर्म में करेगी, क्रस एंड टफ की फॉर्म में, एक बार ऐसे इस प्रकार पॉजिटिव डायरेक्शन में आई होगी मान लेते हैं, फिर एक बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे अल्टरनेट अपने पाथ को क्या कर रही होगी, फॉलो करते हुए आगे चल जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ इसके फिनोमेना है इसको, सॉरी कुछ इसके वर्ड है उसको मैं डिफाइन करूंगा कि सर एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसमें फ्रिक्वेंसी क्या होगी और इसमें टाइम पीरियड क्या होगा और वेवलेंथ क्या होगा, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड क्या होता है, और बेटा ऐसे यहां से निकाल देंगे और यहां से वाइब्रेशन कैसे होगा। अब अगर बात करें इसकी लॉन्गिट्यूडनल वेव की, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव कैसे ट्रांसफर हो रही होगी, कुछ इस प्रकार से देखिएगा, स्प्रिंग देखा है, जब आप स्प्रिंग को क्या कर रहे होते हो, स्ट्रेच कर रहे होते हो तो कहीं स्प्रिंग में ज्यादा गैप बन जाता है, कहीं गैप कम हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, जो हमारे पास देखिए मैं बना देता हूं इस प्रकार से फिगर उसका, कुछ स्प्रिंग के टाइप में है इसे बोलते हैं, इसमें जो वेव पाथ को ट्रेवल करेगी वो किस में करेगी, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, इसमें कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन में, कंप्रेशन कहां होगा और रेयर फ्रैक्शन कहां होगा, कंप्रेशन का मतलब समझ रहे होंगे, वर्ड से समझ आ रहा है कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन यहां देखिए तो टू टाइप में कर रहे ना, एक कंप्रेसर होता है और इसमें टफ एंड टफ, ठीक है बेटा ये होता है। तो कंप्रेसर में अगर देखें कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेसर मतलब कंप्रेस हो रही होगी, कहीं ना कहीं वो कहां है, वेव एक जगह पर कंप्रेस होगी दूसरी जगह पर क्या होगी, वेव फ्रैक्शन चली जाएगी। कुछ इस प्रकार से देखें, ये ऐसे यहां से स्टार्ट कर देते हैं गैपिंग, फिर गैपिंग, कुछ आ रहा है समझ में, ऐसे ऐसे से ट्रैवल कर रही होगी। ऐसे स्प्रिंग का केस में आता है ये वाला, यहां पर देख रहे होंगे इस वाले केस में, यहां ये क्या होगा कंप्रेस, क्या होगा कंप्रेस, ठीक है बेटा। यहां ये वाला जो केस होगा, ये वाला जो केस है यहां पर गैपिंग इक्वल है, यहां पर गैपिंग जा रहा है तो वहां क्या है कंप्रेसर की वैल्यू बिल्कुल डिक्रीज कर दी, वहां पर रेयर फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। ये डिनोट कर दिया है सिर्फ कंप्रेशन और फॉर रेयर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, और टी फॉर कर्व टफ और सी फॉर क्रस्ट, ठीक है ना। यहां के बाद ये तो वेव के बारे में हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ ली है, अब साउंड की बात करें, क्या साउंड का जो फॉर्म होता है क्या वो वेव फॉर्म में होता है, बिल्कुल लेकिन हाँ बिल्कुल कैसे सर, एक बार बताइए वेव में क्या हो रहा होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वन पार्टिकल टू एनदर पार्टिकल, यही तो होता है भाई, वेव क्या कर रही होती है, एनर्जी का ट्रांसफर ही तो कर रही होती है वन पार्टिकल से एनदर पार्टिकल, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं कर रही, किसका मास का ट्रांसफर नहीं करेगी। तो अगर आप जनरली बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो साउंड क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको मैं क्या बोल दूंगा साउंड क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी, अरे बच्चे उधर देखिएगा फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी,
साउंड की जब बात करें ये भी क्या होगा, मेरा फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा। एनर्जी मुझे बोलेंगे सर एनर्जी क्या है बेटा, वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी। तो देखें इसके बहुत टाइप की एनर्जी देखने को मिलती है, या कन्वर्ट ऑफ एनर्जी आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, ऐसे तुमने कन्वर्जन सुना होगा, हीट एनर्जी को या लाइट एनर्जी को विंड एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये क्या कन्वर्जन ही तो है, आप घरों में देख रहे होते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही होती है, जैसे ही आपने फैन स्टार्ट किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो फैन है वो किस में कन्वर्ट कर देता है, विंड एनर्जी में। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी के संग हीटर, हीटर देखा है और हीटर होगा भी आपके घरों पर, तो देखेगा हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही होती है, क्या दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे होते हैं। तो हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में प्रोड्यूस कर देता है, क्या है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी तो हो रहा है इसमें। तो सेम वैसे ही साउंड का अगर बात करूं तो ये क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या होगा साउंड अगर जैसे ट्रेवल करेगा किसकी फॉर्म में करेगा, वेव की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, वेव की फॉर्म में। इसमें साउंड में भी मास का ट्रांसफर नहीं होता है। एक बात कहिए, अगर साउंड आप बोल रहे हो तो अपने अंदर से आप साउंड निकाल रहे हो, या आप जैसे किसी सॉलिड या लिक्विड या गैसेस, अब गैसेस लिक्विड की बात हम पीछे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर साउंड का स्पीड क्या होता है, कम हो जाता है। अगर सॉलिड की जैसे बात की जाए तो आप जैसे कि मान लीजिए तो हथौड़े को किसी बेल पर मारना ऐसे, तो आप क्या एक बात करिए बेल का मास कम हो जाएगा, नहीं होगा ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा एनर्जी का ट्रांसफर होगा वन पार्टिकल टू एनदर पार्टिकल। तो वहां से क्या साउंड क्या होता है जनरेट होता है, और उसका जो पाथ होता है जो ट्रेवल करने का जो पाथ होता है तो वो क्या होता है वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है। और सेम ऐसे जैसे वेव फॉर्म में आया, अब साउंड को भी हम इससे रिलेटेड कर देते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का क्या होता है, मतलब अब टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब ये सब कुछ आपके वेव वेव का सब क्लियर हो गया होगा, अब उसमें बस वेव का थोड़ा वो पॉइंट रहेगा वेवलेंथ और आपका फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड और ये सब कुछ रहेंगे, वो हम साउंड से क्लियर करते हुए चले जाएंगे आगे, ठीक है। असल रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन अगर जब मैं फिल्म में देख रहे हैं तो रिफ्लेक्शन का अगर आप बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये कोई भी रीजन इस प्रकार से ऐसे ये वाला यहां से क्या होगी साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, मान लेते हैं ये क्या है साउंड वेव, यहां से मैंने साउंड प्रोड्यूस किया, क्या किया साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड जिस पाथ को फॉलो करते हुए मान लीजिए इस वाले बॉल पर या कोई मैंने यहां पर मीडियम रख दिया और उस मीडियम से स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर क्या आ गया ये वापस, इस पूरे केस को मैंने क्या बोल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्या बोल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब बात आती है कि सर ये हमने देखा तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे, बेटा तुम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हो, एक बंद कमरे में या बंद हॉल में चले जाइएगा और वहां पर अपना साउंड प्रोड्यूस करना, जैसे बोले मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये कमरा कैसा है बंद है, आप सुनिएगा मैंने बोला हेलो, तो आपको क्या है आपने साउंड प्रोड्यूस किया, आपके अंदर से साउंड निकला हेलो वर्ड निकला, तो क्या आपको वो रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन सुनाई दिया भाई, दिया ना, तब आप बंद कमरे में बोलेगा तो साउंड का क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है, जैसे काफी सारी बिल्डिंग्स हो उसके बीच में बोलना तब भी आपको उल्टी आवाज आती हुई सुनाई देगी वापस आती हुई, ठीक है। जैसे पहाड़ अगर हिल एरिया की बात की जाए तो पहाड़ों में जाना पहाड़ों में बोलना तो आपको जैसे बोलोगे वैसे ही जस्ट अपोजिट साउंड आपके पास क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें रिलेटेड टू साउंड में, अब बात आती है थोड़ा यहां से स्टार्ट होता है हमारा पूरा मैटर, ठीक है। देखते हैं पहला पॉइंट लेते हैं, चलो वेव फॉर्म बना लेते हैं, इसी में समझाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये मेरा क्या हो गया वेव फॉर्म हो गई, ये ऐसे ऐसे ट्रेवल किया होगा इसने, ये ऐसे है, ठीक है। कुछ ऐसे बोले सर ये क्या बना दिया वेव फॉर्म बन गई, इसको बोलते नीचे टाइम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये ओ ये मेरा एक्स हो गया, ये ऐसे चली होगी फिर ऐसे, ठीक है क्लियर। अब स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आता है एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड अगर एम्पलीट्यूड की बात करें एम्पलीट्यूड की बात करें तो बेटा एम्पलीट्यूड क्या होगा बताइएगा,
एम्पलीट्यूड क्या होगा, जनरल डेफिनेशन क्या होती है एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी और या पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसका क्या मीन पोजिशन, इसका मीन पोजिशन क्या होगा, ये इस प्रकार से देखेगा एम्पलीट्यूड किसे कहोगे या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा होगा। मान के चलो यहां जीरो था, यहां से अगर इस वेव को अगर आप देखोगे इस प्रकार से तो क्या हो रहा है, वेव का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इधर देखो विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा होगा यहां पर होगा मीन पोजिशन पर, कहां पर होगा मीन पोजिशन पर, ऐसे ये यहां पर चला गया। यहां पर जाने के बाद आपने क्या देखा, तो इसके बाद ये क्या हुआ डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे बेटा एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वेव जो है अपनी मीन पोजिशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाएगी उसी को या उस डिस्टेंस में उसी में क्या कहूंगा एम्पलीट्यूड होगा, क्या बोलूंगा बेटा एम्पलीट्यूड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम पीरियड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रोटेशन के लिए बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम पीरियड, क्या आएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की अगर बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, स्टडी कर लीजिएगा टाइम पीरियड क्या होगा बताइए। मैं अगर बात करूं टाइम पीरियड क्या कैसे निकालोगे, दीवार घड़ी होगी तो पेंडुलम वाली होगी कि उसमें ऐसे कुछ पेंडुलम चल रहा होगा, ऐसे ऐसे चल रहा होता था जैसे कि देखो ऐसे समझूंगा ऑसिलेशन मतलब ऐसे समझूंगा, ये कुछ पेंडुलम है यहाँ का देखो, हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपकी क्लास लगे तो मैं ये नहीं सुन लूँ सर हमने ये नहीं पढ़ा या ये टॉपिक रह गया, ठीक है। ये बोला पेंडुलम, ये क्या है जब पेंडुलम लटका हुआ है इस प्रकार से, अब इसका मीन पोजीशन की अगर बात करें तो मीन पोजीशन कहाँ होगी, तो अब पेंडुलम कैसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा फिर एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे फिर वापस इसी पर मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन से ऐसे फिर वापस मीन पोजीशन पर। तो देखिएगा ये क्या है, मान लेता हूँ जीरो, अब इधर की डायरेक्शन में मान लिया मैंने ऐसे, अब ये पेंडुलम कैसे गया, ऐसे गया फिर वापस आने के बाद ये पॉजिटिव, फिर वापस आने के बाद आया होगा ऐसे इसी पाथ पर, फिर कैसे आया होगा ऐसे, फिर वापस गया होगा कहां पहुंच गया यहां, तो ये एक बार ऐसे जाने के बाद फिर ऐसे आने के बाद उसी भी पोजिशन पहुंच गया, तो उसे बोलता हूं वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, क्या कर लिया उसने वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। ओके बच्चों तो क्या है, क्या वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है कोई भी वेव, ये क्या इसका वन ऑसिलेशन होगा, एक बार ऐसे, ओके एक बार ऐसे, तो यहां तक वन ऑसिलेशन उसने कंप्लीट कर लिया, तो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा टी, इसे कैपिटल टी से डिनोट करते बेटा, टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, यहां लिख देते हैं कैपिटल टी से, ये सब बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता है टाइम पीरियड का, ये सब आगे आएगा और अच्छा टॉपिक है। इधर देखिएगा फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है मेरा स्टार्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बस सर ये तो पढ़ा आपने नई नई चीजें बताते जा रहे हैं, ये क्या हो गया एम्पलीट्यूड था यहां ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अच्छा फ्रीक्वेंसी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, कहते हैं इसे म्यू से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। बोर्ड में न्यू लिखा जाए तो वहां पर उसे फ्रीक्वेंसी कंसिडर करना है टेंथ के बोर्ड में, ठीक है, टेंथ में न्यू से डिनोट करते हैं उसे। अब इधर देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन वन सेकेंड, क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन मतलब आया क्या ऐसे दिख रहा है, एक सेकेंड में कोई भी बे, एक सेकेंड में ध्यान सुनिएगा वन सेकेंड में कोई भी बे जितने नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेती है जितने टाइम में, उसी को मैं क्या बोल रहा होता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी बोल रहा होता हूँ, कि सपोज कर देखो यहां से यहां तक जाने में से माना इस पोजीशन तक आने में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वन सेकंड लगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी वन हर्ट्ज, वन हर्ट्ज की
अर्थ जो होती है वो क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। टाइम पीरियड का यूनिट हो गया सेकंड, और एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या हो जाएगा, निकालना है। तो देखो इधर देखिएगा, फ्रीक्वेंसी मान के चलो एक सेकंड टाइम यहां होता है, वन सेकंड ऐसे दिखेगा। अब वेव का चलना स्टार्ट हुआ है, तो एक बार देखिएगा, एक वेव तो ये और एक वेव ये, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, ये इसे मान लेता हूं फर्स्ट और इसे मान लेता हूं सेकंड, वेव फर्स्ट वेव सेकंड, तो किसकी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी बेटा, वेव फर्स्ट की ज्यादा है सेकंड कंपेयर में, क्योंकि उसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या है ज्यादा है, देखो एक दो थ्री, ठीक है, कितना है थ्री हर्ट्ज, कितनी है 3.5, 3.5 ले लेते हैं, कितना होगा 3.5 हर्ट्ज या 3.25 हर्ट्ज आएगा, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ये क्या है वन सेकंड में जितनी बार वेव क्या हो जाए ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले उतनी को उसका क्या कहता हूं फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, क्लियर। फ्रीक्वेंसी का केस समझ में आया, इट इज डिवाइडेड बाय स्मॉल n, और कहते हैं इसे न्यू से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा। वेव लेंथ की बात कर रहे हैं, तो वेव लेंथ क्या होता है, वेव और लेंथ दो वर्ड आ गए इसमें, तो इसमें मतलब इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन अ वन वाइब्रेशन और इन वन टाइम पीरियड ऑफ दिस, मतलब वन टाइम पीरियड में वेव, या ऐसे बोल सकते हैं कि वन टाइम पीरियड में वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना डिस्टेंस कवर करती है कोई भी वेव, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में या वन टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसी डिस्टेंस को मैं क्या कहूंगा वेव लेंथ। अब मान चलो यहां इसका वेव लेंथ क्या होगा, इसका वेव लेंथ यहां तो होगा इस प्रकार से, इट इज डिनोटेड बाय ये वाला क्या होगा वेव लेंथ, क्या होगा वेव लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, ये सिंबल्स हैं बेटा न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, ये क्या होगा लैम्डा, इसका यूनिट बात करें तो वेव लेंथ, लैम्डा मीटर, इसमें मीटर में। हाँ तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को जनरली भाषा में अगर देख दो जब साउंड ट्रेवल कर रहा होगा उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, पर एक बात बताइए कोई अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है तो वहां क्या है स्पीड होगी, जिससे साउंड ट्रेवल करेगा उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, यस इसे बोले हैं स्पीड ऑफ द वेव या साउंड, साउंड लिखो यहां पर साउंड लिख सकते हैं क्या वेव भी लिख सकते हैं, वेव के लो ब्रैकेट में वेव भी लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। यहां से अब कर लेते जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, वेव अगर लिखना चाहते हो मैं बोल सकता हूं लेकिन बोलने से कोई फायदा नहीं है, आप जनरल डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए ना, फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू एल लैम्डा, इक्वल्स टू एल लैम्डा, ठीक है इसको याद रख लीजिएगा, ये वी क्या होता है स्पीड ऑफ वेव, इसको मैं क्या बोलूंगा स्पीड ऑफ वेव, ओके बेटा ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ये होगा वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव, क्लियर। यहां तक की बात हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती है कि ये जनरल फॉर्मूला होगा v = n lambda, n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, lambda इज द वेवलेंथ ऑफ वेव एंड v इज द स्पीड ऑफ वेव, ठीक है ये यहां से देख लिया। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड वेव की इन गैसेस मीडियम, गैसेस मीडियम में थोड़ा केस अलग हो जाता है बेटा, गैसेस मीडियम में थोड़ा केस अलग हो जाएगा, अगर हम इसमें बात करें गैसेस मीडियम में तो गैसेस मीडियम में देखो क्या होगा, ये मिटा देते हैं थोड़ा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक देख लेते हैं स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम में पहले जनरल इक्वेशन आप याद कर लेना, लेकिन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, तो गैसियस मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, इट इज लिख लेना बेटा, इट इज याद भी रखना, इट इज डिपेंड्स ऑन
डेंसिटी, क्या डेंसिटी ऑफ द मीडियम, बच्चों समझ में आया होगा ऑफ द मीडियम, ठीक है। यहां के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें और स्टार्ट कर देते हैं यहां से, मान लो जनरल इक्वेशन क्या होगा, वी इक्वल टू अंडर रूट, वी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी, वी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी, ठीक है बेटा। फिर एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, यहां पर जो गामा पी है वो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है, वी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी, ये वाला जो डी होगा वो क्या होगा, डेंसिटी होगी बेटा, हर पॉइंट को क्लियर करके चलना है। ये वेलोसिटी या स्पीड, ये क्या होगा स्पीड, इसकी वेव की, अरे वेव की अगर स्पीड और या डेंसिटी डेंसिटी की बात की जाए तो आप समझ जाना, स्पीड की बात हो रही तो वेव, डेंसिटी की बात हो रही तो मीडियम, देख देते हैं और एक बार, डेंसिटी ऑफ मीडियम, क्या डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो यहां पर अगर बात है स्पीड ऑफ वेव, क्या वेव, और ये क्या होगा गामा पी, क्या होगा एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब समझ रहे होंगे, नाइन्थ में पढ़ा होगा ये वाला रिलेशन, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास नाइन्थ में अगर आपको याद हो तो, ठीक है, वैसे भूल गए होंगे, बहुत महान क्लास है हमारी नाइन्थ, ठीक है, लॉकडाउन में चल रहा है, खूब छुट्टियां मिली हैं आपको, तो ये क्या होगा गामा पी इक्वल्स टू एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक मोमेंट, ये क्या होती है प्रोसेस होती है, क्या होती है किसी कैसे सिस्टम में प्रोसेस होती है एडियाबेटिक, ये आप 11th की केमिस्ट्री में पढ़ोगे और फिजिक्स में पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है, अब फिलहाल इतना याद रखिएगा। तो यहां पर जो गामा है वो क्या है, मेरा कॉन्स्टेंट है, क्या ये गामा क्या है कॉन्स्टेंट है, यहां पर कोई कॉन्स्टेंट प्ले नहीं है, ये आप याद रखना। अब स्टार्ट कर सकते हैं जनरल इक्वेशन, अब लिखेगा जनरल इक्वेशन की अगर बात करें, डायटोमिक गैसेस डी एट द डेंसिटी ऑफ मीडियम, डायटो या मोनो, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जनरल इक्वेशन क्या पड़ी है, फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस, जनरल इक्वेशन क्या होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए पीवी इक्वल्स टू PV equals to nRT, याद रखना बेटा n small लेना है बच्चों। अब एक बात है PV RJP क्या है, इसमें P लिखना प्रेशर, बिफोर प्रेशर, ये क्या होगा मेरा प्रेशर, इसे मैं रेज कर देता हूं, तो बेटा यहां पर देखिएगा PV equals to nRT, ये आ गया मेरा PV इक्वल टू स्मॉल एन कैपिटल आर इन टू पी, देखो पी क्या होता है मेरा प्रेशर, क्या होता है प्रेशर, वी क्या होता है मेरा किसी भी बॉडी का वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है कैपेसिटी, वॉल्यूम को क्या होता है कैपेसिटी को बता रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी है, ये तो सब पढ़ा होगा प्रेशर वॉल्यूम, ये एन क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स, मोल क्या होता है बेटा सब्सटेंस की मात्रा को या उसकी मेजरमेंट बताता है, मान लो एन वन वन, तो यहां से क्या होगा आर इन टी इज द टेम्परेचर, क्या होगा ये मेरा क्या होगा टेम्परेचर, ठीक है बेटा ऐसे समझेगा टेम्परेचर, आर मेरा रेनॉल्ड नंबर या गैस कुछ भी समझो कॉन्स्टेंट है, ठीक है बेटा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पी आई टू, क्या मान लेते हैं इक्वेशन आ जाएगी पी इक्वल टू आर टी, अब बताइए वी मेरा वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है तो यहां देखिएगा क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, यही तो होता है मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी क्या हो गया अगर जिस मीडियम में या जिस मीडियम को ले रहा हूं वो कितना डेंस है, और मास का मतलब जो मीडियम में ले रहा हूं उसमें जो एटम है उनका मास कितना है, मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम, तो पुट कर दें यहां पर, बहुत अच्छी बात है, कर देते हैं स्टार्ट, तो मास अपॉन डेंसिटी इक्वल टू आर टी, ओके यहां तक कोई परेशानी, हम यहां से बी बराबर एक फॉर्मूला आया था, यहां इसे लिख लेते हैं एक बार, ये आया था बी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी, यही आया था क्या, और कुछ आया था पी अपॉन डी, ठीक है पुट कर देते हैं बेटा यहां पर,
बताइए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसे, लिख लो एम पी अपॉन डी इक्वल टू आर पी, क्यों काम एकदम जबरदस्त चल रहा है, इसका क्या रहा मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो पी अपॉन डी इक्वल टू आर पी अपॉन एम, वेरी बस बहुत अच्छे, पी अपॉन डी आर पी अपॉन एम वैल्यू वी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी, पी अपॉन डी का वैल्यू आर डी अपॉन एम पुट कर दो, वी इक्वल टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी का वैल्यू क्या है बेटा आर डी अपॉन एम, ये रिलेशन होगा उसमें ठीक है, इन केसेस इसमें मॉनिटर कीजिए ठीक है बेटा। यहाँ पे बात इस तरह मैं एम इज द मॉलिक्यूलर मास, ए इज द टेम्परेचर, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, लिख लेना है आपको सब कुछ, ये क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स का मास, मॉलिक्यूलर मास क्लियर, ये क्या होगा टेम्परेचर, ये क्या होगा गैस कॉन्स्टेंट, क्या होगा ये गैस डायरेक्शन समझ में आता है, ये इलेक्ट्रिक एसिड सिस्टम में हम देखे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव तो आपको क्लियर होता है, अब नेक्स्ट मोड था इको, इको क्या होता है, इको की अगर जनरल भाषा में अगर बात करें तो इको का साउंड एयर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस लाइक क्लिफ हिल साइड ऑल ऑफ बिल्डिंग इट इज आफ्टर द ओरिजिनल साउंड एयर सीज इज कॉल्ड इको, समझ गए होंगे इको तो आप सब लोग समझते हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जो हमें साउंड सुनाई दे रहा होता है कुछ जड़जड़ा सा ओरिजिनल में, तो वो उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं ईगो बोल रहे होते हैं ठीक है, ईगो को तो बस ज्यादा मुझे ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ईगो क्लियर हो गया आप लोगों को, ईगो के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, ईगो के लिए फॉर्मूला होता है अगर देख रहे हैं डायरेक्टली बता रहे थे इसी में ईगो का साथ के साथ ही कंप्लीट करने चलते हैं, ईगो ये लास्ट टॉपिक है आपका इस एक्सरसाइज का चैप्टर 7 का, ईगो ये बड़ा सुंदर वर्ड है ईगो, कुछ देखते तो इसका क्या है, मान लेते ना गैप बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्स्टिकल इज डी साउंड ऑफ इज डी द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इज 2d, इससे क्या मतलब मान लेता हूं कि यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, मान के चलो आप खड़े आप बनेंगे ये ऑब्जर्वर है, इसने कुछ साउंड प्रोड्यूस किया, यहां मेरा कोई यहां पर कोई मैंने कोई मीडियम रख दिया या कोई जिससे मुझे साउंड क्या हो रहा है ये ऐसे ठीक है, यहां से इस ऑब्जर्वर और ऑब्स्टिकल जो रखा है जिसके साउंड क्या होगा टकरा के वापस आएगा उसका डिस्टेंस है कितना डी ठीक है, माना टी टाइम लगा कितना टाइम लगा ठीक है, हमने कहा तो वी क्या होगा टी क्या होगा वेलोसिटी ऑफ साउंड है यहां पर वी, मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डी ठीक है, अब मान लीजिए चलो उसने डी डिस्टेंस क्या किया कवर किया, डी डिस्टेंस कवर किया तो एक बार डी ऐसे चला होगा फिर एक बार डी ऐसे आया होगा, टोटल डिस्टेंस की बात किया तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जनरल सी भाषा में बी इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल एक बार डी फिर दूसरी बार डी तो डी प्लस डी अपॉन टू तो बी इक्वल टू टू डी अपॉन टी, ये मेरी इको के लिए केस जनरेट करता है ठीक है बेटा, यहां पर कंडीशन फॉर इको, कंडीशन फॉर इको के लिए अगर देख लें तो कंडीशन फॉर इको के लिए अगर कुछ लिख देता मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी 70 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस होना चाहिए 70 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए और इंटरवल ऑफ टाइम शुड बी 0.1 सेकंड होना चाहिए,
उसके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए, ठीक है, सेकंड में। साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। जो साइज ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगा उसका जो साइज है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव से, ठीक है। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी ऑडिबल, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो कैसा होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए, मतलब सुनाई देना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सुनाई देना होना चाहिए, ठीक है। तो वहां से ईगो के केस जनरेट हो जाते हैं। अब डिटरमिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में भी मेरा कितना होगा v = 2d, ठीक है बेटा। यूजेस देखो ईगो के यूजेस क्या होता है, यूजेस है आपने देखा होगा फायरबैक्स, डॉल्फिन्स एंड फिशरमैन, वहां यूजेस होते हैं, ठीक है। जो बैट होती है वो क्या करती है, ईगो को डिटेक्ट कर लेती है, फिर वो अपने पहले बार में आगे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है या कुछ ना कुछ अवरोध है, ठीक है। और क्या होता है, यूज ऑफ ईगो बाय सोनार, सोनार में डिस्टेंस या डेप्थ, किसी भी चीज की डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है बेटा। ये सोनार हो गया, रडार में होता है, रडार सिस्टम में भी किसका, रेडियो वगैरह है और सैटेलाइट वगैरह है, यहाँ पर ईगो का यूज कर रहे होते हैं रेडियो डिटेक्शन और रैंगिंग के लिए, ठीक है बेटा। अब इसके लिए कुछ फॉर्मूले देख लो, देखो VT = यहां से वेक्टर निकालोगे तो D = कितना हो जाएगा, VT/2। अरे ये क्या है बेटा, 2D बोल दी, तो D = क्या हो जाएगा, VT/2, यहां से बहुत सारे निकालेंगे VT/2, बहुत सारे फॉर्मूले क्रिएट हो जाएंगे यहां से। अगर T निकालोगे तो T = कितना हो जाएगा, 2D/V, ये लर्न कर लेने बेटा, ठीक है। जो मेरे कुछ ना कुछ यहां से निकलते आएंगे, अब इसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट अभी कवर कराएंगे, ठीक है। हमारे डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल देखते हैं, इस चैप्टर के क्या करना है, इसमें देखिएगा कुछ क्वेश्चन और फर्स्ट देखते हैं, पढ़ेगा। अ पर्सन स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम अ बॉल, कहने का मतलब ये कोई बॉल है, ये क्या है, मेरी बॉल, रोलर बॉल, इससे 100 मीटर अवे कोई पर्सन खड़ा है, इस संडो खड़ा है, कितना 100 मीटर, फायर अ गन एंड हियर एंड ईको, हियर एंड ईको कैलकुलेट टाइम आफ्टर व्हिच ईको इज हियर v = 330 मीटर पर सेकंड। अब उसने क्या किया, गन से फायर करने के बाद उसे ईको सुनाई देगा, ठीक है बेटा। तो उस ईको का क्या निकालना है, इसमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, कितने सेकंड बाद उसे वो ईगो सुनाई देगा, मतलब आवाज वापस सुनाई देगी जनरल से बात करें। तो ये डिस्टेंस कितना लगा इसका, देगा वैल्यू 100 मीटर, ऐसे देखेगा यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड उसने गिवन दिया हुआ है, गिवन वी का वैल्यू दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस डी का वैल्यू दिया गया है मुझे 100 मीटर। अब यूनिट का बहुत विशेष ख्याल ध्यान रखना, ये किसमें है, SI यूनिट में, किसमें है, SI यूनिट, ये किसमें है, ये मेरी SI यूनिट, यूनिट का सेम होना है। अगर सपोज दैट सेंटीमीटर होता है इसे मीटर में कन्वर्ट करता है, मतलब सेम यूनिट में लेना है, या तो इन दोनों को SI रखो या इन दोनों को CDS में रखो या इन दोनों को FPS में रखना, ठीक है। अरे भैया टी निकालना, ये वाला जो टाइम है वो कितना लगेगा, ये जो टी है वो मुझे निकालना है, तो t = क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, 2d/v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एंड वी इन दिस, putting the value of v and d, v and d in equation 1, clear। फिर इसके बाद तो t में put करोगे 2 × 100 डिवाइडेड बाय 330, इसे सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मेरे पास,
60, ऐसे देखिए ना, 0 से 0 कट गया, ऊपर 20 अपॉन 30, ये हो जाएगा यहां पर सॉल्व करने से t इक्वल्स टू 20 अपॉन 30, 3 सेकंड की 0 पॉइंट 180, 36 का 180 तो 161 ऐसे है, ठीक है 161 समथिंग सेकंड में, ठीक है बेटा कितने में आएगा ये सेकंड में आएगा, क्लियर इतना से टाइम लगेगा, बात आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, आप देखिए मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अ बेब इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड स्पीड दे रखा है किसी बेब का 24 मीटर पर सेकंड एट ए स्केल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, एन निकालना है, मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है, इजी क्वेश्चन है आपको, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन फॉर्मूला के ऊपर बेस लगाता जाऊंगा, बाकी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, v हमको दे रखा है 24 मीटर है, किलोमीटर है, ये देखिएगा एक बार कन्फर्म दे देगा, ये मीटर पर सेकंड है, किसमें दे रखा है, मीटर पर सेकंड दे रखा है, v का वैल्यू वेलोसिटी दे रखा है। अब इसके बाद एट एक्स वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ लैम्डा वो कितना है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये किसमें है सेंटीमीटर, ये किसमें मीटर, तो कन्वर्जन 0.01 या 0.01 होगा या 0.1 होगा, 1 मीटर में कितना होता है 100 डिवाइडेड बाय 100 करना है, इसे 10 अपॉन का ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 का क्या है तो कितना हो जाएगा 0 से 0 और ये हो जाएगा 0.1, तो ये 0.1 होगा, कितना होगा 0.1 मीटर, ठीक है 0.1 मीटर, क्लियर बेटा। इसके बाद का हम स्टार्ट करते हैं, कर दो फॉर्मूला को, तो क्या निकालना है मुझे, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, एन निकालना है, क्या निकालना है, तो v इक्वल्स टू फॉर्मूला एन लेना, तो एन इक्वल्स टू v बाय लेंथ, पुट कर देंगे वैल्यू इसमें, कितना हो जाएगा v कितना है 0.1 लैम्डा, ये मेरा v है 224.1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 204, कितना 40 हर्ट्ज, कितना हो जाएगा 240 हर्ट्ज, कितना हो गया बेटा 240 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी आ गया। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन साउंड सोर्स एंड रिफ्लेक्शन इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा निकाल लोगे, वी दे रखा है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड देखा, आर रडार सेंस अ सिग्नल टू अ प्लेन एट डिस्टेंस, इतना दे रखा है बेटा डिस्टेंस दे रखा है, बी दिया हुआ है, अबे बेटा स्पीड ऑफ लाइट, तो बी भी दिया हुआ है, हाउ मच टाइम सिग्नल सिग्नल इज रिसीव्ड बैक, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, रडार सिस्टम तो कुछ नहीं करना है आपको, देखेगा मैं इसे सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इधर देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, रडार सेंड टू सिग्नल, रडार जो है एक सिग्नल सेंड करता है, क्या वो प्लेन है का डिस्टेंस ऑफ प्लेन का, तो प्लेन का डिस्टेंस दे रखा है रडार से, कितना है d का वैल्यू 4.5 × 10⁻²⁰ मीटर, कितना 10⁻²⁰ मीटर, ये तो डिस्टेंस दी हो गया, जितनी डिस्टेंस का वो क्या करा सिग्नल सेंड करता है, विद अ स्पीड ऑफ लाइट, कितनी स्पीड के संग स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी होती है और कुछ होती है, इतनी होती है, बुक में देखने का है ना, आता हूँ इतनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है याद रखना इसको, आफ्टर हाफ मंथ क्या है कितने समय बाद सिग्नल इज रिसीव बैक, जो रडार है वो सिग्नल को कितने समय बाद रिसीव करेगा, मतलब टी निकालना है, क्या निकालना है टी, तो निकाल दोगे वी इक्वल्स टू 2d अपॉन टी और टी इक्वल्स टू 2d अपॉन वी, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा टी इक्वल्स टू बेटा डी का वैल्यू कितना 2 × 2.5
इंटू टेन टू दी पावर टू इंटू टेन टू दी पावर टू डिवाइडेड बाय थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड, और ये कितना है मीटर में, मीटर से मीटर पर मिनट, तो ये कितने में किस आ जाएगा सेकेंड में आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, आसिफ सेंड अ सिग्नल एंड रिसीव, आसिफ सेंड अ सिग्नल एंड रिसीव, आगे पढ़ेगा क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर देखिएगा, आसिफ सेंड अ सिग्नल एंड रिसीव इट बैक फ्रॉम समराइन, समरीन में है ना, समरीन है, आफ्टर फोर सेकेंड टाइम दे रखा है, कोई सिर्फ सेंड अ सिग्नल, एक सिर्फ सेंड करता है सिग्नल हो, अब क्या होता है रिसीव आफ्टर फोर सेकेंड बाद उसे क्या कर लेता है वो, समरीन से वो क्या हो जाता है रिसीव हो जाता है। ठीक है बेटा, कैलकुलेट डेप्थ ऑफ समरीन, मतलब क्या निकालना है, डी निकालना है, तो बी दे रखा है उसमें, गिवन बी कितना दिया है फोर फाइव जीरो मीटर पर सेकेंड, ये सबरी की स्पीड है बेटा। ठीक है, और इसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम में फोर सेकेंड कितना है, बी निकालना है, क्या निकालना है, सिंपल सी बात है, तो कितना हो जाएगा बी को स्पीड आता है टू डी अपॉन टी, टी दिया है बी निकालना है, इसके लिए जब वन ये ऐसे कितना हो जाएगा वी टी बाई टू, तो डी इक्वल्स टू वी टी बाय टू, पुटिंग द वैल्यू वी एंड टी इन इक्वेशन फर्स्ट, बी इक्वल्स टू वी कितना फोर्टी फिफ्टी इंटू फोर डिवाइडेड बाय टू, टू से टू टाइम्स आउट, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 2.9 की समथिंग है, इसे सॉल्व कर लेना बेटा, 28 29 कितना हो गया 29 वन टू, ये होगा क्यों 2900। ठीक है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले हो गए 2.9 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, ये डी का वैल्यू क्लियर होता है कि आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बेटा, हम इसके बाद कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ क्लैब एट अ डिस्टेंस 100 मीटर प्रोड्यूस 2 क्लैब पर सेकेंड एंड ही नोटिस द साउंड ऑफ क्लैब कंसाइड विद जी इको, द इको देयर ओनली व्हेन क्लैपिंग इज स्टॉप्ड, कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड, मतलब बी निकालना है, डिस्टेंस दिया गया है, टाइम भी आपको दिया गया पर सेकंड, तो क्लिप पर सेकंड, तो एक सेकंड में कितना क्लिप आएगा वहां से निकाल देना है। ठीक है, निकाल दो, कोई इजी क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन, द साउंड ऑफ थंडर थंडर का हियर्ड ऑफ आफ्टर 2 सेकंड टाइम है ना बाय अ पर्सन ऑन अर्थ, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड, निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसे इरेज कर देते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बहुत इजी चक्र है, और इसी क्वेश्चन में बेटा घबराने वाली बात नहीं है, किसी प्रकार सिक्स देखिएगा, सिक्स में बी आपको गिवन है, कितना है बी, बी दिया है आपको सिक्स में 330 330 मीटर पर सेकेंड, 330 अंग्रेजो, 330। अब देखो बेटा अंग्रेजो ये क्या कह रहा है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ऐसे देखिएगा, ओके, अब इसके बाद डी पूछ रहा है हाइट ऑफ क्लाउड पूछ रहा है डी, ठीक है, तो निकाल लेना है, क्या लगाओगे डी इक्वल्स टू बी टी बाय टू, सॉल्व कर लेना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी एंड क्वेश्चन नंबर 7 इजी,
इसमें क्या पूछ रहा है बेटा आपको, डिस्टेंस भी पूछ रहा है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। ओके डू योर सेल्फ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री एंड डैम्ड एंड फोर्स पार्टीशन, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके थैंक यू क्लास।